इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग ट्रायल की स्टेज पर है। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि दो ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज पूरी कर ली हैं। प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ दीज वैक्सीन्स हैज बीन शेयर्ड विद द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज परमिटेड दीज टू वैक्सीन्स टू गो इन फॉर Phase 1 एंड Phase 2 क्लिनिकल ट्रायल्स। Phase 1 और Phase 2 क्लिनिकल ट्रायल्स की जो साइट्स हैं यानी जिन जगहों पर वो ट्रायल होगा वो फाइनलाइज की जा चुकी हैं और अब इसको प्रारंभ होना, यानी अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि जो सिलेक्टेड साइट्स हैं और जो गिवन अप्रूवल है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का, उसके आलोक में ये वैक्सीन ट्रायल जल्दी ही प्रारंभ होंगे और इनके नतीजे जब भी आएंगे हम आपके समक्ष रखेंगे।